लिखा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने में महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से भारत की जनता के मन में यह विश्वास जागृत किया कि हिंसा से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो निश्चित ही हम वह भी कर सकते हैं जिसकी हमको कल्पना नहीं होती है। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वहीं दूसरी तरफ अगर हम सही मायने में ध्यान दें तो गांधी जी का कोई सच्चा उत्तराधिकारी आज हमारे देश के अंदर है तो उस व्यक्ति का नाम है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। वो सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में भारत की जनता के साथ खड़े होकर उन्होंने हमारे देश के राजनीतिक मायनों को परिवर्तित कर दिया, हमारी राजनीतिक सोच की व्यवस्था को बदलने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो जानते थे कि हमारा काम है, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे और वोट लेने के बाद सरकार बनाना ही केवल राजनीतिक दल का काम होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक व्यवस्था के मायने बदलते हुए उन्होंने ये साबित किया है कि हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम देश बनाने के लिए भी राजनीति कर रहे हैं, हम समाज बनाने के लिए भी राजनीति कर रहे हैं। और जब हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं तो हमें गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना को अपने साथ लेकर चलना होगा। हमारे प्रणेता आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो दर्शन उन्होंने हमारे अर्थ के क्षेत्र में भारत को दिया, निश्चित ही हमको ये भी लगता था कि राजनीतिक दल जब लोगों के बीच में जाते हैं तो केवल रोटी कपड़ा और मकान देने की बात कहकर वोटों को लेने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के आधार पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा काम केवल व्यक्ति की बाह्य व्यवस्थाओं को पूरा करना नहीं है, हमारा काम व्यक्ति के मन के लिए शांति अर्जित करना, व्यक्ति की आत्मा के लिए आत्मसम्मान देना और व्यक्ति के बुद्धि के लिए ज्ञान की व्यवस्था करना। और इसके साथ साथ अगर हम रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित ही हमारे राजनीतिक होने का मायना सही रूप में सार्थक होगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से देश की जनता को विश्वास दिलाया गया, जिस तरह से कि देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और लगा कि यही वह व्यक्ति है जो सच्चे मायने में भारत माता का सपूत है, भारत माता का सेवक है और हमारी सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम करेगा। हमने 2014 और 2019 में सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश की सरकार, वास्तव में आज कहते हुए हमें बहुत गर्व और गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से सीधा जनता से संवाद करके जनता के विश्वास को जीतने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से आज हमारे देश के मुख्यमंत्री ने अपने 1 घंटे 45 मिनट के उद्बोधन में ये विश्वास दिलाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगी और मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर काम करने का प्रयास कर रही है। गांधी जी ने सहज का अंग्रेजों भारत छोड़ो इतना बड़ा लक्ष्य अब सरिता जी समाप्त करिए, हमारे सतत विकास के 17 लक्ष्य जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्धारित किए, ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये बहुत बड़ा संकल्प है कि हम अपने प्रदेश से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, हम अपने प्रदेश में उन सारी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारा प्रदेश भारत में एक अच्छा स्थान प्राप्त करे। मुझे ध्यान में आता है कि आज भारत के अंदर जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं पर कहीं पर भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की जैसी सोच और उत्तर प्रदेश के सरकार के जैसी काम करने की शैली मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश की सरकार की मुझे दिखाई नहीं देती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं तो मेरे मन में कभी कभी कल्पना होती थी कि मैं जिस जिले से, जिस विधानसभा से विधायक बनकर आई हूँ वो मुलायम सिंह जी का क्षेत्र रहा है।
मैं सोचती थी कि कभी मेरे जिले के अस्पताल में भी कोई अच्छी सी डायलिसिस यूनिट हो। मैंने एक बार आग्रह किया और बहुत अच्छी व्यवस्था में अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी परसों ही हमने एक अच्छी सी डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया हमारे क्षेत्र में। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्क बनाने की बात चल रही है, उन पार्कों में जिम की व्यवस्था, कुछ मशीनें लगाकर भी लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रदेश में पहला मॉडल पार्क हमारे इटावा, हमारी विधानसभा में बनकर तैयार हुआ है और पार्क 7 लगभग पार्क और बनने की स्थिति में तैयार है। बाढ़, हमने कभी बाढ़ नहीं देखी थी, लेकिन पहली बार हमारी सरकार में हमारे क्षेत्र में चंबल में पानी बढ़ा। हमारे यहाँ पर प्रभारी मंत्री जी मौजूद होंगे, मैं बाढ़ के क्षेत्र में थी, प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि दूसरे ही दिन हमने 55 बाढ़ पीड़ित लोगों को नगद धनराशि दी और बाढ़ पीड़ित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री देने का काम किया। इससे पहले कोई भी सरकार राजनीतिक इतिहास में कभी भी इतनी जल्दी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ी है। वो तमाम ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार के द्वारा लोगों के लिए किए जा रहे हैं। मैं आयुष्मान योजना का जिक्र नहीं करना चाहती, मैं प्रधानमंत्री आवास का जिक्र नहीं करना चाहती, मैं कन्या सुमंगला योजना के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार वो सारे काम करने के लिए तैयार है जो उन्होंने आज अपने सतत विकास के लक्ष्य में 17 बिंदु लिए। मुझे लगता है कि अगर इन बिंदुओं पर हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही आदरणीय मोदी जी का सपना साकार होगा और गांधी जी के सपनों का भारत का निर्माण होगा। मोदी जी जब सरकार बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि एक सपना है संजोया जो कि है धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। अब वो नया भारत कोई ऐसा तो नहीं हो सकता जिसमें शिक्षा की व्यवस्था ना हो, जिसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो, जिसमें लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, जिसमें गरीब के सर पर छत ना हो, जिसमें कन्याओं का विवाह ना हो, जहाँ पर महिलाओं का सम्मान ना हो। अगर हम ऐसे नए भारत की कल्पना करेंगे जो मोदी के सपनों का भारत होगा तो आदरणीय योगी जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कहा, आगे बढ़कर कहा कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्क को हम समझाने निकले हैं, अब तो ज्यादा हो गए, बड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं, हम निकले हैं शिवरी की कुटिया में दीप जलाने को और दीन दुखी निर्बल निर्धन को उनका अधिकार दिलाने को। हमने संक्षेप में अपने उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा, के बहुत अच्छा को आपके सामने जाहिर किया और आदरणीय मोदी जी के सपनों के भारत अच्छा का एक सपना आपको दिखाने का काम किया। मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ आदरणीय गांधी जी, अभी रह गया क्या, 150वीं जयंती है, उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आजादी दिलाने का काम किया। मेरा विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी लैंगिक समानता। उत्तर प्रदेश में मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय मोदी जी की इस योजना का लॉन्चिंग कार्यक्रम 13 जून 2017 को मैंने प्रदेश कार्यालय पर किया था और मैं प्रदेश संयोजक के रूप में मैंने 3 वर्ष काम किया और आज इटावा जनपद को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। इसके लिए भी मैं अपने आदरणीय केंद्र की सरकार को बहुत